हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक. वेलकम टू द पार्ट 11 ऑफ चैप्टर 7. चैप्टर 10 के अंदर हमने नया ग्रुप स्टार्ट किया था, दैट इज़ ग्रुप 16, और कैल्कोजन ग्रुप, ऑक्सीजन फैमिली ग्रुप. उसमें हमने ग्रुप 16 की एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को कंप्लीट कर लिया था. तो आज हम इस पार्ट के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 16 को स्टार्ट करेंगे. एज यूजुअल, यू विल नो दैट फर्स्ट टॉपिक विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट. तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पहला आता है ऑक्सीडेशन स्टेट. तो ग्रुप 16 में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, NH2NP4 होता है. तो इसको अपना आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है, 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है. इसलिए इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -2 होती है कॉमनली. लेकिन जो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाती है, और पोलोनियम हार्डली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. इसका रीज़न क्यों है, ठीक है, इसका रीज़न ये है, डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी -2 ऑक्सीडेशन की इसलिए डिक्रीज हो जाती है क्योंकि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है वो भी डिक्रीज होती चली जाती है. लेकिन जो ऑक्सीजन की जो मोस्ट स्टेबल या मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 ही है, एक्सेप्ट +2 इन ए कंपाउंड. OF2 कंपाउंड के अंदर इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 होती है. इस कंपाउंड को छोड़कर बाकी सभी कंपाउंड में इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -2 होती है. इसका रीजन होता है बिकॉज ऑफ द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है अपने ग्रुप के अंदर, तो इसलिए ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ ये OF2 ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड कंपाउंड के अंदर ही शो करता है, ठीक है. लेकिन अदर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ग्रुप 16 की वो +2, +4 एंड +6 है. लेकिन इनमें से +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोस्ट कॉमन. लेकिन और +4 और +6 में भी जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी होती है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है. इन दोनों का रीजन्स एक ही है, दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट. मीन्स जो एस ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं ले पाते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से. इसलिए +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की जो टेंडेंसी होती है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी वो डिक्रीज होती है, ठीक है. आगे समझ में अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होता है, और +6 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो कंपाउंड बनते हैं ग्रुप 16 के वो मोस्टली क्या होते हैं, वो कोवलेंट इन नेचर होते हैं. तो आप इसमें बता सकते हैं कि ऑक्सीजन -2 ही शो करता है, +2 सिर्फ OF2 में शो करता है, बाकी +4 और +6 शो करते हैं, और जो +4 की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, +6 की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से. और +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो कंपाउंड बनते हैं वो सारे क्या होते हैं, कोवलेंट इन नेचर होते हैं बिकॉज ऑफ देयर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट. नाउ वी विल टॉक अबाउट द एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन. एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन इज ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स, वन ऑफ विच देम दैट इज स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन, सेकेंड इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, थर्ड इज हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, फोर्थ वन इज एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल. बिकॉज ऑफ द फोर फैक्टर ऑक्सीजन शो द एनोमलस बिहेवियर. एनोमलस बिहेवियर आप यही देख सकते हो कि जो H2O हाइड्राइड है ऑक्सीजन और सल्फर के, जब हाइड्रोजन का जो ऑक्सीजन का जो हाइड्राइड है दैट इज H2O, दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर पर एट रूम टेम्परेचर, वाइल H2S इज गैस एट रूम टेम्परेचर. तो क्या हो जाता है, H2 के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन. देयर विल बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बट इन H2S देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट्स व्हाई H2S एग्जिस्ट एज ए गैस एंड H2O एग्जिस्ट एज ए लिक्विड इन एट रूम टेम्परेचर, ठीक है. एनोमलस बिहेवियर के इसके और भी रीजन है, जैसे कोवलेंसी की बात करते हैं हम, तो मैक्सिमम कोवलेंसी शोन बाय द ऑक्सीजन इज 4. इट कैन नॉट एक्सीड इज कोवलेंसी, मीन्स ये अपनी कोवलेंसी 4 से ज़्यादा शो नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ डी ए ऑर्बिटल. बट द अदर एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 कैन शो द कोवलेंसी मोर देन 4. दूसरा, इट हैज़ द एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई पी बाई बॉन्ड, दैट्स वाई इट एग्जिस्ट
इन मोस्ट स्टेबल फॉर्म दैट इज डाई एटोमिक फॉर्म O2 बिकॉज ऑफ द पी पाई पी बॉन्डिंग स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन. तो ग्रुप 16 के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सभी H2E टाइप का हाइड्राइड्स बनाते हैं, जहाँ पर ई क्या है, ई कोई भी ग्रुप 16 का एलिमेंट हो गया, जैसे H2O, H2S, H2SE, H2TE, H2PO. तो ये हाइड्राइड हो गए. तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16. ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स के स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम. तो क्या होता है स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर जो होती है वो बॉन्ड पेयर से क्या की जाती है, डिटरमिन की जाती है. तो ऑक्सीजन, हमने यहाँ पर वाटर का एग्जांपल लिया है. ऑक्सीजन में कितने आउटरमोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से 2 बॉन्डिंग में कंज्यूम हो गए, बचे 4, 4 के क्या हो गए, 2 लोन पेयर हो गए. तो आप बता सकते हैं कि ग्रुप 16 के हाइड्राइड के अंदर क्या होता है, 2 बॉन्ड पेयर होती है और 2 लोन पेयर होते हैं, तो टोटल हो गया 4, 4 स्टेडी फैक्टर हो गया. 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3, 1 sk और 3 pk, तो 1 और 3 4, तो 4 स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक फैक्टर कंप्लीट हो गया. तो यहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर रिपल्सन की वजह से यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होती है वाटर की, दैट इज बेंट, एंगुलर और वी शेप्ड. मोस्टली बेंट इज कोड, मोस्टली बेंट लिखा हुआ मिलता है बुक्स के अंदर, कहीं कहीं पर एंगुलर भी मिल जाता है, वी शेप्ड भी मिल जाता है. यू कैन राइट 3 ऑफ देम और में लिखना है, ठीक है. अब आप बता सकते हैं कि H2 हाइड्राइड्स का हाइब्रिडेशन sp3 क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है, ठीक है, आगे समझ में. तो अब हम बात करेंगे बॉन्ड एंगल की. तो जो बॉन्ड एंगल होता है, डाउन द ग्रुप जाने पर हाइड्राइड्स का बॉन्ड एंगल क्या होता है, डिक्रीज होता है. ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे अगर हम बात करें H2O और H2S, तो किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, H2O का. क्यों, क्योंकि जो सल्फर है, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और साइज़ भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो सेंट्रल एटम से दूर आ जाते हैं. तो सेंट्रल एटम से दूर आ जाएंगे तो जो बॉन्डेड एटम है वो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, और जब बॉन्डेड एटम एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है. अब आप बता सकते हैं कि जो हाइड्राइड्स है ग्रुप 16 में, उसमें हाइड्राइड्स का जो बॉन्ड एंगल है डाउन द ग्रुप डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है और साइज इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेंट्रल एटम से दूर आ जाते हैं, और जब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम से दूर आ जाएंगे तो बॉन्डेड एटम क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, और जिसकी वजह से HeH बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है. यू कैन सी द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल. तो H2O के अंदर सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल होता है और H2PO के अंदर बॉन्ड एंगल सबसे कम होता है, ठीक है, हाइड्रोजन पोलोनियम, ठीक है, हाइड्रोजन पोलोनाइड. इसके बाद हम बात करते हैं एसिडिक करैक्टर. जो एसिडिक करैक्टर होता है वो डिपेंड करता है कि कोई भी कंपाउंड कितनी जल्दी एच पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन के अंदर दे देता है. तो एच पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन देने वो एच पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन के अंदर देने के लिए जो ई और एच, मतलब ग्रुप 16 के एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, वो जितनी जल्दी टूटेगा वो उतनी जल्दी एच पॉजिटिव आयन दे जाएगा और वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा. तो क्या होता है, इसके अंदर, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, ग्रुप 16 के एलिमेंट्स का जो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है, जब एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है तो एच ई बॉन्ड भी इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज होती चली जाती है, और वो जो बॉन्ड है वो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज हो गई तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और वो एच पॉजिटिव आयन जल्दी से रिलीज कर देगा. तो इसलिए डाउन द ग्रुप जाने पर हाइड्राइड का एसिडिक करैक्टर क्या होता है, बढ़ता है, और जो H2S होता है वो वाटर से ज़्यादा एसिडिक होता है, इसीलिए, क्योंकि H2S के अंदर H और सल्फर की जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है वो कम होती है और वो जल्दी से बॉन्ड टूट जाता है और H पॉजिटिव आयन दे देता है, ठीक है. यहाँ पर आपके एक इंडेक्स क्वेश्चन भी है कि H2S और H2TE, ठीक है, हाइड्रोजन टेलुराइड और हाइड्रोजन सल्फाइड में से कौन ज़्यादा एसिडिक है. तो हाइड्रोजन
टेलुराइड हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन टेलुराइड के अंदर एच और टी की जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा है, और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम है, जिसकी वजह से उनके बीच का बॉन्ड जल्दी से टूट जाएगा और वो एच पॉजिटिव आयन जल्दी से रिलीज कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए जो हाइड्राइड्स होते हैं उनका जो एसिडिक करेक्टर होता है डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो जाती है। ठीक है, रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द हाइड्राइड्स वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 12। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। स्टे एट होम, स्टे एंड स्टडी एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।